आगे मत जाओ यार। अरे भाई के तो आदमी छोड़ अरे आगे मत जाओ ना मत। अरे आगे अरे यार भाई क्या कर रहा है यार। थैंक यू वेरी मच। वेल वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं बोलने के लिए। आई मीन आई बीन अ फादर बिफोर। मैं पहले भी दो बेटियों का बाप हूँ। अभी एक बेटा भी हो गया, उसका नाम है शिवांश, हमने रखा है प्यार से। एंड आई एम वेरी हैप्पी, बहुत खुशी हुई। एंड थैंक्स टू सूर्या एज एन इंस्टीट्यूशन के इन्होंने ख्याल रखा। और सूर्या मैंने खास करके इसलिए सिलेक्ट किया, मेरे हिसाब से ये हिंदुस्तान का सबसे बेस्ट NICU है। आफ्टर केयर, बच्चा पैदा होने के बाद जो केयर होता है वो इस हॉस्पिटल में मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में सबसे नंबर वन रैंकिंग है। या हॉस्पिटल की बात करें, आप कितना केयर किए थे मैम को, रिसीव मैम का, क्योंकि काफ़ी केयर करना पड़ता है हस्बैंड की भी काफ़ी बहुत ज़रूरी है। आई मीन एक हस्बैंड की जिम्मेदारी होती है, खाली औरत की जिम्मेदारी नहीं होती। आई थिंक ये दोनों का एक साथ सपोर्ट लगता है एक दूसरे को, एक एक बच्चा पैदा करने के लिए भी और एक उसको बड़ा करने के लिए भी। आई थिंक हर फादर को अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभानी चाहिए, साथ में मिलके काम करना चाहिए। अच्छा, जैसे कि देखा जा रहा है एक्टर का बेटा, तो ये क्या बनेगा, कुछ सोचा है? वेल मैं तो हमेशा अपने बच्चों को यही सलाह दूंगा कि जो भी उनके उनका मन चाहे, जो भी उनकी इच्छा हो और जो भी वो दिल से करना चाहें वो उनको करना चाहिए। मेरे हिसाब से सारे ऑप्शन उनके लिए ओपन है। ये एक मिथ है कि एक्टर का बेटा एक्टर, ड्राइवर का बेटा ड्राइवर, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर। मैं नहीं समझता हूँ कि हमें इस देश में आज की तारीख में किसी भी तरह से ऐसा बंधन बांधना चाहिए बच्चों के लिए। उनको एक ओपन चॉइस देनी चाहिए, उनको आगे बढ़ने की एक इनफैक्ट हमको पूरी तरह सहयोग देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। वो जो बनना चाहे उनका, उनको मदद करनी चाहिए। मैं खुश हूँ। मेरे हिसाब से ये मेरा लास्ट दो साल से मैं देख रहा हूँ बहुत ही अच्छा समय चल रहा है। एंड आई एम वेरी हैप्पी। मैं अपना काम अगर मैं 10% कर रहा था तो आज मैंने उसको दुगना कर दिया। आई होप कि आगे बढ़ते जाएं और जितना इस समाज को सहयोग कर सकें, दैट्स माय ओनली होप कि मैं अच्छे से अच्छा काम कर पाऊँ। आई थिंक जो एक सेल्फ मोटिवेशन लगता है वो बहुत ज़रूरी है हर इंसान के ज़िंदगी में, लेकिन उसके अलावा उसके परिवार को, परिवार का साथ होता है। और आई थिंक एक ऊपर वाले का साथ बहुत ज़रूरी होता है, उनकी ब्लेसिंग्स हैं, इसीलिए मैं आज तरक्की कर रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Thank you.